बीजेपी की सरकार सेंटर में भी थी और गुजरात में भी थी, और अब हमें इलेक्टोरल बॉन्ड्स के डेटा के जरिए पता चलता है कि ये जाइडस केडिला कंपनी ने 18 करोड़ रुपए डोनेट किए बीजेपी को इलेक्टोरल बॉन्ड्स के जरिए। मैं सिर्फ एक सवाल प्रधानमंत्री मोदी से करना चाहूंगा, क्या आम इंसान की जान की भी कोई कीमत नहीं है क्या? इस कंपनी ने 3 करोड़ रुपए कांग्रेस को भी डोनेट किए जो उस वक्त राजस्थान में पावर में थी, और 8 करोड़ रुपए बीजेपी की एलआई एसकेएम सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा को भी डोनेट किए जो 2019 से सिक्किम में पावर में है। इस पॉलिटिकल पार्टी को तो 5 कंपनी से डोनेशंस मिली थी और उनमें से 4 कंपनी फार्मा कंपनी थी। सिक्किम को एक फार्मा हब कंसीडर किया जाता है और देखकर लगता है कि एसकेएम ने भी इसका पूरा फायदा उठाया। जाइडस कैडिला भी दोस्तों इकलौती ऐसी कंपनी नहीं है, इसके अलावा एक फार्मा कंपनी है ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स, जिसे 2022 और 2023 के बीच में 5 नोटिसेस दिए गए सब स्टैंडर्ड ड्रग्स की वजह से। इनमें से 4 नोटिसेस महाराष्ट्र फूड एंड ड्रग्स एडमिनिस्ट्रेशन ने दिए थे। इस कंपनी की जो ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने की दवाई थी उसे सब स्टैंडर्ड बताया गया। और अब हम इलेक्टोरल बॉन्ड्स डेटा के जरिए जानते हैं कि इस कंपनी ने 9.75 करोड़ रुपीस की इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदी थी नवंबर 2022 में।